अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका सहनाज का। तो कैसे हैं आप सब, आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, ये विंटर स्पेशल है क्योंकि विंटर में मूली का पराठा जो है बहुत ही मज़ेदार लगता है। लेकिन आज मैं आपको एक टिप्स के साथ बताऊंगी जिससे कि आपका मूली का पराठा जो है एकदम सॉफ्ट और एकदम जो है मसालेदार बन के तैयार होगा, जिससे कि आपका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा आपके मूली के पराठे का। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और रेसिपी को फॉलो करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह से मेरे और भी बहुत सारे रेसिपीज आपको अगर देखनी है तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की है, बनाते हैं मजेदार यम्मी वो भी अलग स्टाइल में एक टिप्स के साथ मूली का पराठा विंटर स्पेशल। तो चलिए सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। आटे के लिए मैंने यहाँ 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है और 1/2 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर दिया है और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इन मसालों से हमारा जो आटे में फ्लेवर आएगा, स्पाइसी सा फ्लेवर आएगा और बहुत ही यमी हमारा पराठा बनेगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और एकदम नरम सॉफ्ट डो लगा लेना है। तो अब ऊपर से 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हाथों से मसल के हम इसे रेस्ट करने देंगे 1/2 घंटे के लिए। टिप्स यही है कि अगर आप 1/2 घंटे के लिए इसको आटे को मसल के रखेंगे तो आपका मूली का पराठा जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। और हमने मसाला इसमें ऐड कर दिया है, इससे हमारा पराठा स्पाइसी भी बहुत ही ज़्यादा बन के तैयार होगा। तो अब नेक्स्ट काम हमें करना है, मूली को ग्रीड करना है। तो मूली को मैंने धो के साफ़ कर लिया था और अब इसका छिलका हटा लेंगे। तो कम से कम ये हमारा 1/2 किलो से ज़्यादा जो है मूली है, आप अपने हिसाब से बनाएं, जितना आपको चाहिए आप उतना बनाएं। तो मूली को छील के मैंने इसका जो डंठल है हटा लिया है, तो चलिए फटाफट से इसे ग्रीड कर लेते हैं। ग्रीड करने के बाद जो है हम मूली का जो जितना भी पानी है उसे निचोड़ के निकालेंगे। अगर आप पानी नहीं निकालते हैं तो आपका मूली का पराठा एकदम ख़राब हो जाएगा, अच्छा बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक बाउल लेना है और कॉटन का सफ़ेद साफ़ कपड़ा मैंने ले लिया है। अगर आपके घर पे कोई भी कपड़ा हो लेकिन कॉटन का ले लीजिए, साफ़ कपड़ा लेके इस तरह से हम बंद करके थोड़े निचोड़ लेंगे ताकि हमारा जो मूली में एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। आप चाहें तो हाथों की हेल्प से भी इसे निचोड़ सकते हैं, लेकिन कपड़े से ये जो बहुत जल्दी आसानी से सारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाता है। तो इससे क्या होगा ना, हमारा जो स्टफिंग है बहुत अच्छा बनेगा और पराठा जब हम बेलेंगे तो बिल्कुल भी ये इधर उधर से फटेगा नहीं, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो अब इसी तरह से सारे ग्रीड किए हुए मूली से हम एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल लेंगे, उसके बाद हम स्टफिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप भी इसी ट्रिक्स और टिप्स के साथ मूली पराठा बनाएंगे तो आपकी मूली पराठा बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। तो अब पैन को गरम करना है, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है। ऑयल गरम होते ही 1 टीस्पून कटा हुआ अदरक, 1 टीस्पून कटा हुआ हरी मिर्च और एकदम बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ प्याज ले लिया है। इसको अब थोड़ा इधर सोटे करेंगे, हम ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा इसको भून लेंगे। उसके बाद हम ग्रीड किया हुआ मूली इसमें डाल देंगे। मैं स्टफिंग भी आपको बहुत ही कम मसालों में बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से अपने घर पे बना सकें और बहुत ही जल्दी बना के आप तैयार कर पाएंगे। और इससे क्या होगा ना, आपका टाइम भी बचेगा और बहुत ही यम्मी चटपटा मूली का पराठा आप एकदम मज़ेदार वाला तैयार कर पाएंगे। तो अब चलिए स्पाइसेस थोड़े ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड करा है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, बस इतने ही मसाले डालना है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम में रखा है। मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम स्लो कर लीजिए और लीड ढक के 2 से 3 मिनट तक हम इसे कुक कर लेंगे ताकि हमारी जो मूली है वो अच्छे से कुक हो जाए और जो इसका बचा कुचा एक्स्ट्रा जो भी पानी है वो भी निकल जाए और मसाला भी अच्छी तरह से मूली में सेट हो जाए। तो इसी तरह से फिर लीड खोल के थोड़ा सा गैस का फ्लेम बढ़ाएंगे और मूली को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अब कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे और लीजिए तैयार है चटपटी सी हमारी मूली की स्टफिंग। तो इसे अभी फटाफट से हम ठंडा कर लेंगे, एक बाउल में शिफ्ट करेंगे, ठंडा कर लेंगे जब तक कि हमारा आटा भी सेट हो गया होगा, उसके बाद ही हम पराठा बेलना स्टार्ट करेंगे।
तो ये जो मूली का पराठा है, अगर आपने एक बार बना लिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा यमी लगेगा, आप भी यही बनाना स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन के तैयार होता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनता है। तो बस लीजिए, आटा भी हमारा रेडी हो गया है, देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बन के रेडी है हमारा आटा, स्टफिंग भी ठंडा हो गया है। चलिए फटाफट से इसकी जो है लोइयाँ निकाल लेंगे। नॉर्मली जैसे कि आप रोटी चपाती बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा साइज का जो है हम इसका बॉल्स निकाल लेंगे। तो अब एक 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 बॉल्स को उठाना है और इस तरह से आप अच्छी तरह से राउंड शेप में कर लीजिए। अब इसका हम कटोरी बना लेंगे। कटोरी बनाने से हमें स्टफिंग भरने में आसानी हो जाएगी और आपकी जो रोटी है यानी कि जो पराठा जब आप बेलेंगे तो आपकी जो पराठा है वो फटेगी नहीं, बहुत ही आसानी से आप बेल पाएंगे। तो इस तरह से कटोरी बना लेना है और उसके बाद आपको जितना स्टफिंग भरना है आप उतना भर लीजिए। इस तरह से थोड़ा से प्रेस कर लीजिए, उसके बाद इस तरह से बंद करें। ये वीडियो में मैं जैसे कर रही हूँ आप सेम उस तरह से करिए, बहुत ही आसानी हो जाएगा आपको ये बनाने में और आप जब बेलेंगे ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो हमारा जो एक लोई है वो रेडी हो गया। चलिए सूखा आटा छिड़केंगे और फटाफट से हल्के हाथों से इसे बेलना है। हल्के हाथों से बेलेंगे तभी हमारा जो रोटी है बहुत ही अच्छा बेल के तैयार होगा, क्योंकि अगर हम ज़रा भी इसको जोर से बेलेंगे या फिर पूरी ताकत के साथ बेलेंगे तो रोटी हमारा जो है साइड से फटने लगेगा, यानी कि पराठा जो है हमारा साइड से फटने लगेगा। इसी बात का ध्यान रखते हुए आपको थोड़ा थोड़ा सूखा आटा छिड़कना है और हल्के हल्के हाथों से आपको बेल के इसको जितना बड़ा साइज का पराठा बनाना चाहते हैं, छोटा बड़ा मीडियम, आप उसे उसी शेप में बेल लीजिए। तो यहाँ पे और एक टिप्स मैं बताऊंगी कि आप आयरन तवे पे यानी कि लोहे के तवे पे पराठा कैसे बनाएं, क्योंकि जब हम लोहे का तवा को धो के रख देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है और जैसे ही आप इसमें रोटी डालेंगे वो चिपक जाएगा। तो इससे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही तवा आपका गर्म हो जाए थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए और टिशू पेपर की हेल्प से पूरे तवे को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। तो ये जो तवा होगा आपका नॉन स्टिकी का काम करेगा और आप जब पराठा डालेंगे देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और आपका पराठा बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। तो इसी तरह से जैसे ही एक साइड का सिक गया तो मैंने पलट लिया। अब इसमें ऑयल घी आप चाहें आपका पसंदीदा जो भी है आप उस पर लगा के अच्छी तरह से उलट पुलट करके सेक लेंगे। तो देखा ना फ्रेंड्स कितने जल्दी बनके तैयार होता है ये मूली का पराठा। आप बच्चों को सुबह सुबह टिफ़िन में, अपने हस्बैंड को भी ऑफिस के लिए इसे बना के दे सकते हैं और ये लॉन्ग टाइम तक भी जो है नरम सॉफ्ट बन के रहेगा। इसके साथ बस अचार या फिर आप दही भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही चटपटा बना हुआ है। आप इसको ऐसे ही कुछ भी ना रहे फिर भी आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है। इसी तरह से सारे पराठे को मैंने यहाँ पे देख सकते हैं सेंक लिया है, बहुत ही यम्मी बना है, सॉफ्टनेस इसकी देखिए। तो लीजिए तैयार है हमारी मूली पराठा, वो भी अचार के साथ मैंने सर्व कर लिया है। आप ज़रूर ट्राई करें और इसी टिप्स के साथ बनाएं, मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी इस रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलूंगी एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।